नए साल 2024 का आज पहला दिन और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 21 दिन ही बाकी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये दिन नजदीक आता चला जा रहा है, इस मामले में अब सियासत भी तेज होती जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस ने फिर विवादास्पद बयान दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि 500 साल बाद एक बार फिर मनुवाद की वापसी हो रही है। वहीं कांग्रेस के ही नेता और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री डी सुधाकर ने तो राम मंदिर की तुलना पुलवामा हमले तक से कर दी। और ऐसे में जैसे जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते जा रही है, सियासी बयानात और तेज होते चले जा रहे हैं। और इस कड़ी में कांग्रेस के नेता एक के बाद एक कई विवादास्पद बयान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अब कर्नाटक से कांग्रेस सरकार के मंत्री डी सुधाकर ने एक विवादित बयान दिया और उन्हें तुलना सीधे राम मंदिर की पुलवामा हमले से कर दी है। तो वहीं उदित राज ने कहा कि ये बीजेपी का स्टंट है, मंदिर निर्माण के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं का ये बयान एक बार फिर विवादों के घेरे में लाता हुआ कांग्रेस को, जैसे जैसे राम मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते जा रही है, ये सियासी बयानात और तेज होते चले जा रहे हैं। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, कांग्रेस नेता उदित राज का यह बयान। तो कर्नाटक सरकार में कांग्रेस के मंत्री डी सुधाकर ने कहा है कि ये पुलवामा हमले जैसा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने राम मंदिर निर्माण मामले में बीजेपी पर भी हमला बोला है। राजनीतिकरण का उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है। भगवान के दर्शन के लिए इनकी मध्यस्थता की जरूरत है? ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? क्या भगवान इनके बंधुआ हैं? आइयो देखिए और दर्शन करिए, जब मन होगा जाएंगे, अपने घर में पूजा कर लेंगे, किसी और मंदिर में जाकर कर लेंगे।